तो गुरु अगर हम एसुस की बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसुस एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन गुरु एसुस एक ताइवान बेस्ड कंपनी है जो कि साल भर में बहुत कम स्मार्टफोन लॉन्च करता है, लेकिन गुरु जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च करता है लिटरली नो डाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्रेजी फीचर्स देखने को मिलता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एसुस ने अपना आरओजी फोन 6 को लॉन्च किया था, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 देखने को मिला था, और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि हर किसी को मालूम है कि वो कितना पावरफुल स्मार्टफोन है, लेकिन अभी के टाइम पर Asus Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ एक और नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है Asus Zenfone 9, जो कि 28 तारीख को आपको ग्लोबली देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आपको इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में ये शायद आपको Asus 9Z के नाम से देखने को मिलेगा, क्योंकि Zenfone 8 आपको इंडिया में 8Z के नाम से देखने को मिला था, तो उस हिसाब से देखें तो ये स्मार्टफोन भी आपको Asus 9Z के नाम से इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो गुरु अगर आपको अभी के टाइम पर Asus Zenfone 9 या फिर 9Z के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुरु मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे काम करते हुए मुझे 10-11 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है, तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके 500 सब्सक्राइबर करा दीजिए, उसी के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिए ताकि आगे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को पहुंचे, और पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड। तो गुरु Asus 9Z के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आजकल हर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.7 इंचेस का 6.6 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन गुरु अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना है तो गुरु आपके लिए स्मार्टफोन बहुत सही रहेगा, क्योंकि Asus 9Z के अंदर आपको एक 5.9 इंचेस का फुल HD प्लस सैमसंग का E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ आपको 1100 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जाएगा, ऊपर से ये भी एक HDR 10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले होगा, जहां पर अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन गुरु उसके बाद अगर हम डिजाइन की बात करें तो आजकल भाई Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo हर कोई अपने आप से ही डिजाइन कॉपी करता है, लेकिन Asus हर साल भाई 2-3 स्मार्टफोन ही लॉन्च करता है, लेकिन हर एक स्मार्टफोन के अंदर आपको यूनिक डिजाइन देता है, और इसके अंदर भी आपको कुछ यूनिक डिजाइन देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन आपको एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ ग्लास बैक के साथ देखने को मिलेगा, जहां पर ये आपको पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, और डिजाइन इसके अंदर भाई बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। यहां पर आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपको इंडिविजुअल कैमरा मॉड्यूल के अंदर देखने को मिल जाएगा। मतलब गुरु कुल मिला के बात करें तो डिस्प्ले और डिजाइन दोनों ही आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा, लेकिन गुरु प्रोसेसर की बात करें तो ये इस स्मार्टफोन का मेन हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन का 8 प्लस जेन 1 वाला चिपसेट मिलेगा। ये जो चिपसेट है इसका जो एंटूतु स्कोर है ये आपको 1 मिलियन से भी ज्यादा देखने को मिलता है, और अगर मैं इसको स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के साथ कंपेयर करूं तो ये आपको 8 जेन 1 के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा बैटरी बैकअप और 30 गुना बेहतर परफॉर्मेंस निकल के देगा, क्योंकि ये एक 4 नैनोमीटर वाला ऑक्टाकोर चिपसेट है, और 4 नैनोमीटर होने की वजह से ये आपको अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ ये आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी निकल के दे देगा। ऊपर से अगर हम जीपीयू की बात करें तो गुरु गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए यहां पर आपको Adreno 730 का जीपीयू देखने को मिलेगा। मतलब गुरु चाहे डे टू डे यूज के लिए हो, हार्डकोर गेमिंग के लिए हो, मल्टीटास्किंग के लिए हो, या फिर दुनिया भर के किसी भी काम के लिए हो, यहां पर आपको किसी तरह का लेग सेटर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु उसके बाद अगर हम हीटिंग इशू की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 और स्नैपड्रैगन 888 के अंदर आपको थोड़े बहुत हीटिंग इशू देखने को मिलता था, लेकिन गुरु स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के अंदर आपको ना के बराबर हीटिंग इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको TSMC ने डिजाइन किया है, तो यहाँ पर आपको हीटिंग इशू भाई भूल जाओ, यहाँ पर आपको हीटिंग इशू कते ही देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से अगर हम रैम एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपको LPDDR5 के रैम के साथ UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। लेकिन गुरु उसके बाद अगर हम एंड्रॉइड एंड ओएस की बात करें तो ये स्मार्टफोन गुरु डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 के साथ जेन यूआई के साथ देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर हम कैमराज की बात करें तो गुरु Asus 9Z के अंदर आपको नो डाउट बहुत ही कमाल का कैमरा सेटअप दिया जाएगा। मतलब यहां पर आपको Asus की तरफ से कोई भी फालतू का 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहां पर आपको Asus 9Z के अंदर डुअल कैमरा दिया जाएगा, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपको सोनी IMX766 सेंसर के साथ देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा की बात करें तो सामने की तरफ भी आपको 12 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। जहां पर अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर आपको रियर कैमरा के अंदर OIS देखने को मिलेगा और रियर कैमरा से आप OIS के साथ 8K 24 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। वहीं पर आप फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। मतलब गुरु कुल मिला के बात करें तो मेगापिक्सल पे मत जाओ। यहां पर आप सबको तो पता होगा कि Asus का जो कैमरा होता है वो किस लेवल का होता है, तो ओवरऑल बात करें तो कैमरा यहां पर आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। तो गुरु कुल मिला के बात करें तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलेगा, कैमरा आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाएगा। लेकिन गुरु इन सबको चलाएगा कौन? इन सबको बैटरी चलाएगा। और बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको 4300 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहां पर आपको 4 नैनोमीटर का चिपसेट मिलता है, ऊपर से आपको E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन आपको आराम से 4300 mAh की बैटरी के साथ एक दिन का तो बैटरी बैकअप निकल के दे देगा। लेकिन फिर भी अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज होता है तो पर आपको 30 वाट का सुपर फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और ऑब्वियसली ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। चार्ज करने के लिए आपको नीचे की साइड में टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा। और इतना कुछ देने के बाद भी ये लोग 3.5mm ऑडियो जैक को नहीं भूले, मतलब ये एक ऐसा फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं Asus को ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूंगा। और वहीं पर अगर हम ऑडियो आउटपुट की बात करें तो इसके अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा। बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, ऊपर से आपको AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता था, लेकिन यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। कलर वेरिएंट की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में, रेड कलर में और व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। सो गुरु फाइनली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि Asus 9Z आपको 8GB के RAM से लेकर 16GB के RAM तक देखने को मिलेगा, जिनके अंदर आपको 128GB के स्टोरेज से लेकर 256GB तक देखने को मिलेगा। और गुरु प्राइसिंग की बात करें तो Asus 8Z अभी के टाइम पर आपको Flipkart के अंदर 43,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो आप ये मान के चलो कि Asus 9Z आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ 44 से लेकर 50,000 के अंदर देखने को मिलेगा। लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन iQOO 90 और OnePlus 10T से बहुत ही तगड़ा कंपीट करेगा, क्योंकि वो स्मार्टफोन भी आपको इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो गुरु कुल मिला के बात करें तो ये था पूरा कहानी Asus ZenFone 9 के बारे में। आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन के बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गुरु बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।